हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में फॉल्स स्टेटमेंट समझना है। पहला कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव जब सारे के सारे रेजिस्टेंस एक ही ऑर्डर के हों। तो थ्योरेटिकली अपन पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि जो चार रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो सब एक ही स्केल पे आने चाहिए, तो ये बिल्कुल सेंसिटिव होगा और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। राइट लगा देते हैं। इन अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर आर एक्सचेंज, तो जो नल पॉइंट है वो डिस्टर्ब होगा। इसको पढ़ के देखो, अगर किसी कॉम्बिनेशन में लेट से यहाँ पे मैं बैटरी लगा देता हूँ इस तरह से और इस एंड पे गैल्वेनोमीटर, किसी और केस में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा के और इस एंड पे अगर बैटरी लगा दी जाए तो इट विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, क्योंकि अल्टीमेटली सर्किट रहेगा तो वही। फाइन, तो बैलेंस है और व्हीटस्टोन की बात हो रही है तो आप कह सकते हो कि डिस्टर्ब नहीं होता है। दैट मींस ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे पढ़ते हैं। रियोस्टेट को पोटेंशियल डिवाइडर की तरह यूज किया जा सकता है। ये इस तरह का रियोस्टेट होता है, तीन इसके टर्मिनल होते हैं, एक स्लाइडर। तो जिस स्लाइडर और जिस दो टर्मिनल्स को आप कनेक्ट करते हो लैब वगैरह में जाके एक्सपेरिमेंट, तो पोटेंशियल जो डिफरेंस है इस कनेक्टेड टर्म 1, 2 और 3, पोटेंशियल डिफरेंस 1 और 3 के बीच में ही काउंट होता है अगर आपने यहाँ दो नॉब्स कनेक्ट कर सके हैं। इसका मतलब है कि जो रियोस्टेट है उसको पोटेंशियल डिवाइडर की तरह यूज किया जा सकता है। वो किरचॉफ लॉ की कहानियों में अपन पढ़ते हैं, इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये ऑब्वियस और बहुत ही इजी स्टेटमेंट है। दैट मीन्स ये हमारा गलत स्टेटमेंट है और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाला फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, मोस्ट सेंसिटिव है ये। चारों सेम होंगे तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि सेंसिटिव रहने वाला है। उसके बाद कहता है सेल और गैल्वेनोमीटर को चेंज कर देते हैं, है ना, तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा। बैलेंस कंडीशन का मीनिंग ये है कि इन दोनों एंड पे अगर मैं वाइसे वर्सा कर दूं और या इसको रिप्लेस कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो नल पॉइंट डिविएट नहीं होगा। ठीक है, फिर हमसे कहता है रियोस्टेट, तो ये समझ लिया हम लोगों ने, और लास्ट ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 होगा इसका आंसर और यही आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक, स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।